गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर कमेटी के गठन के दौरान दो छात्र संगठनों के आपस में हुए विवाद में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा था, जिसको लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कुलपति से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। इस दौरान चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर कार्यकारिणी का गठन विश्वविद्यालय के विवेकानंद पार्क में किया जा रहा था। उसी दौरान समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने उसका विरोध कर दिया, जिसको लेकर दोनों छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं में तू तू मैं हो गया, जिसको लेकर छात्रों के संगठन ने कुलपति से मुलाकात की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति वीके सिंह ने कहा कि कमेटी गठित कर दी गई है, जांच के बाद दोषी छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मगर और कोई नहीं कार्यक्रम करा रहा है। हम लोगों को कार्यक्रम में आपका दिया नहीं है, मगर एबीवीपी का बैनर ही मैं यहाँ की विद्यार्थी हूँ, स्वच्छ छात्रा हूँ, ये मेरा अधिकार है पूछने का। आपका अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। विश्वविद्यालय में अगर छात्र चुनाव नहीं है तो यहाँ पे किसी का किसी बैनर किसी भी संगठन का बैनर पोस्टर यहाँ नहीं लगता है। समाजवादी छात्र सभा का नहीं लगता है, अम्बेडकरवादी छात्र सभा का नहीं लगता है, एबीवीपी का आप मुझे बोला ना, कार्यक्रम करना है। अगर आपको झंडा लगाना है तो विश्वविद्यालय गेट के बाहर है, मगर विश्वविद्यालय गेट के अंदर कोई झंडा नहीं लगेगा। आप ये भी तो नहीं कह रहे कि वो इसलिए खड़े हैं, मैंने वो कार्यक्रम की अनुमति के लिए। आप दूसरी चीज बता रहे हैं, आप बताइए वो झंडा हटाने के लिए खड़े हैं, सबको गुमराह करते हैं। बताइए, आप सही चीज बताते क्यों नहीं है? चले गए लेकिन 5 बजे तक वो रुके रह गए, केवल किस लिए रुके? एक ही इशू था कि झंडा हटा लो, हम बताएंगे बता रहे की अनुमति नहीं है तो उस पर विवाद हुआ, वो कोई विवाद छोटी सी बैठक कभी भी कर सकते, कोई वो थोड़ी वो विषय नहीं। उनको तो छपने का वो चाहिए कि हम कैसे सरकार में आए, हम कैसे नेता बने, ऐसे कुछ ना बोले। आपको देना चाहिए कि वो सब झंडे रोकने के लिए खड़े थे, आपको बताना चाहिए कुलपति जी को। आप बताए कुलपति जी को, विवाद तो यही बात का था ना कि आप झंडा क्यों लगाए हैं? अभी तक आपका अनुमति के लिए विवाद था तो इसलिए। तो क्या कभी रोक पाएंगे विश्वविद्यालय जेएनयू बनाते? ये चाहते हैं बना भी रहे हैं, चाहते हैं जेएनयू बन जाए। मनुवादी ये सब क्या है? क्यों ये सब नारा लग रहा है? लाल सलाम जिंदाबाद, ये सब क्या है? आजादी दो, कैसी आजादी चाहिए? ये क्यों नहीं रोक रहे हैं? सभी बात आप सभी दोनों को खुश करने के लिए वर्ण है, उसको जेएनयू बनाने का काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के सह पे ही लाल सलाम जिंदाबाद, देश के टुकड़े और हमको आजादी दो, ये नारा आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में कैसे लग रहा है? उसके चेयरमैन नहीं है। और अगर उनको दो को निलंबित करते हैं, दो विद्यार्थी परिषद को निलंबित करते हैं, इसलिए करते हैं कि दोनों खुश रहेंगे, मेरे वो भी खुश रहेंगे और ये भी कहेंगे मैंने उनको भी कर दिया। गोली चलवा दो, मैं किसी भी छात्र के लिए इसका असर नहीं होना चाहिए। रोज होगी और इससे ज्यादा होगी। क्या छात्र थे जो कल कुछ अपना आयोजन कर रहे थे किसी कार्यक्रम को, तो उस कार्यक्रम के आयोजन में कुछ एक छात्रों के ग्रुप के द्वारा क्लैश हो गया, जिसको हमारे
प्रॉक्टर साहब ने बड़ी कार्यकुशलता से उसको शांत कर दिया है और संगठन उसी संबंध में आया था कि जो निलंबन किया गया है कुछ छात्रों का उसके बारे में वो अपना निलंबन वापस लें, तो हमारे प्रॉक्टर साहब ने उसकी जांच समिति बैठा दी है। जांच के उपरांत जो दोषियों को दंडित किया जाएगा, बाकी का निलंबन वापस कर दिया जाएगा।